नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम जानेंगे दोस्तों कि जैसे आप एयरटेल पेमेंट बैंक होता है, क्या आप जानते हैं कि जियो का भी पेमेंट बैंक है और उस पर कैसे आप लॉगिन कर सकते हैं, कैसे आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इसी बारे में बात करेंगे और आपको बताएँगे किस तरह से आप जियो पेमेंट बैंक ओपन कर सकते हैं और जियो पेमेंट का ऑप्शन यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे माई जियो ऐप का एप्लीकेशन ओपन कर लेना है दोस्तों। जैसे आप माई जियो ऐप का एप्लीकेशन ओपन करेंगे तो यहाँ पे देख पाएंगे, यहाँ पे यूपीआई का ऑप्शन मिल जाता है ऊपर पे। तो यूपीआई पे जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों, यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ से ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, इसमें मनी ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं और यहाँ पे QR कोड से भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, बैंक से ट्रांसफ़र कर सकते हैं और अपने आप अकाउंट को भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। चेक बैलेंस यहाँ चेक कर सकते हैं, रिचार्ज कर सकते हैं और बिल इलेक्ट्रिसिटी सब जो भी आपको पूरा प्रोसेस मिलता है वो यहाँ से आपको सभी चीज़ मिलेगा। तो आपको यहाँ पर अगर ये सब कुछ है कर लेना है तो यहाँ पर अगर आपका पहले से अकाउंट ओपन है तो यहाँ पर आप कर सकते हैं। अगर आपका अकाउंट अभी तक ओपन नहीं है तो यहाँ पे आपको बैक आ जाना है। जैसे आप बैक आएंगे तो यहाँ पे एक बार और ऑप्शन आपको मिल जाता है बैंक का, यहाँ पे बैंक पे क्लिक कर देना है। जैसे आप बैंक पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे वेलकम टू जियो पेमेंट बैंक, यहाँ पे लिस्ट स्टार्ट पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे देख पा रहे होंगे और देख दीजिए नो मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट, यानी कि आप कोई रिक्वायरमेंट है, आप 1 रुपये भी रख सकते हैं और 10,000 भी, 20,000 भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे इंटरेस्ट आपको 3.5% का इंटरेस्ट मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे UPI सिमिलर UPI जैसे जो भी UPI में काम आता है, फ़ोनपे, पेटीएम वगैरह, गूगल पे जैसे वो सब चलते हैं वैसे ये भी चलेगा। तो दोस्तों तो यहाँ पर ये सब आप देख लिए हैं। तो यहाँ पे लिस्ट स्टार्ट गेट स्टार्ट का आता नजर है, यहाँ पे आप अपना नंबर देख लेना है, जो भी आपका नंबर है उस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे दोस्तों कि आप प्रोसेस का आपका नजर आएगा, सेंड इन मैसेज सेंड करेगा एक बार और जैसे सक्सेसफुल होता है OTP आ जाएगा, यहाँ पे OTP आपको डाल लेना है। जैसे आप OTP डाल देते हैं दोस्तों, यहाँ पे आपको पिन बनाने का ऑप्शन आता है, तो यहाँ पे पिन बना लीजिएगा। तो आप मैसेज देख लेते हैं, यहाँ पे OTP हमारा हमने दे दिया। यहाँ पे फॉरगेट पे कर देना है, जैसे यहाँ पे फिर से कर लेना है 24 घंटे के अंदर, यहाँ पे देख पाएंगे। तो दोस्तों यहाँ से हमारा आज का जो है हो चुका है, हम यहाँ पे फॉरगेट नहीं कर सकते। यहाँ पे हम मान लीजिए कोई भी एक पिन बना लेते हैं। यहाँ पे पिन बनाने के बाद दोस्तों आपको अगर ये आप MPIN सक्सेस हो गया तो आपको यहाँ पे आगे प्रोसेस कर देना है। तो आपको इस तरह से आपका MPIN वगैरह बन जाएगा, तो आपका नेक्स्ट स्टेप पूरा कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा, जैसे जैसे ये बोल रहा है उस तरह से आपको कर लेना है। जब आप ये पूरा इसका पूरा कर देंगे तो आपका बैंक अकाउंट ओपन हो जाएगा, जैसे एयरटेल पेमेंट बैंक है उस तरह से ये भी काम करेगा। तो आपको बता दूँ, अगर आप ये ओपन करना चाहते हैं तो आपको ये जो भी सिम है वो आप पोर्ट नहीं कर सकते। अगर दूसरे में चले जाएँगे पोर्ट करवा लेंगे तो आपको ये इससे आपको नुकसान हो सकता है। तो आप जब भी इसमें बैंक ओपन करें तो आपको याद रखना है कि वो सिम आपको पोर्ट नहीं करना है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको समझ में आ गया हो कि करना है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, अगली वीडियो में तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।